नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि इस बार के बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे ही चुनाव के बारे में अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद से ही सभी पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। क्या कुछ हो रहा है, एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में जाना और अपनी घर वापसी करना, अलग अलग पार्टियों में ये हलचल चल रही है। सीटों का बंटवारा होता है और उसके बाद से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का ये दौर शुरू हो गया है। आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि इस बार के बिहार चुनाव में क्या होगा। आज मुकेश सहनी ने आरजेडी का साथ छोड़ करके, जो महागठबंधन में वो थे, उसका साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने एक बार फिर से घर वापसी कर ली है और आपको बता दें कि बीजेपी ने 11 सीटें मुकेश सहनी को दी हैं। ये बेहद अहम है। मुकेश सहनी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही जब उन्होंने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सुशील मोदी डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, बिहार के सभी बड़े नेता, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के साथ अब हो गए हैं मुकेश सहनी, यानी कि कुल मिला के उन्होंने कर ली है घर वापसी। 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, क्योंकि पहले 121 सीटें थी, उसमें से 11 सीटें दे दी गई हैं वीआईपी को, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को, और अब बीजेपी के खाते में बचती हैं 110 सीटें। उन 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू ने अपनी सीटों में से कुछ सीटें दी हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को। और अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव में। आरजेडी ने भी 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बाहुबली अनंत सिंह समेत कईयों को टिकट दिया गया है। तो वही बाहुबली अनंत सिंह हैं जिनको कभी तेजस्वी यादव कहते थे कि हम अपनी पार्टी में बैड एलिमेंट्स नहीं रखते हैं। दो टूक तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी जब अनंत सिंह उनकी पार्टी में नहीं थे, अनंत सिंह उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार, ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कई युवा नेता इस बार मैदान में है। साथ ही साथ वो धुरंधर भी मैदान में हैं जिन्हें बरसों का अनुभव है। ऐसे में आमना सामना होना और बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है, क्या फेरबदल हो रहा है, जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं आज बीजेपी ने साफ कर दिया है कि प्रचार में एलजेपी अगर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर या उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल करती है तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। तो बेहद साफ शब्दों में आज बीजेपी ने ये बात कह दी है। एनडीए के गठबंधन में जो लोग होंगे सिर्फ वही प्रधानमंत्री मोदी के से संबंधित चीजों का प्रचार कर सकते हैं, अन्यथा कोई और पार्टी जो एनडीए से बाहर हो चुकी है या एनडीए में नहीं है अब, वो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित किसी भी चीज का, उनकी तस्वीर का, स्लोगन को लेकर के उन इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपने प्रचार में। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बात मुकेश सहनी, बीजेपी के साथ मुकेश सहनी का है साथ, मुकेश सहनी की घर वापसी, बेहद अहम बातें ये आज हम रखेंगे कि बिहार में जैसे जैसे सीट बंटवारा हो रहा है वैसे वैसे आपस में तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले चिराग ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और अब मुकेश सहनी ने बीजेपी में वापसी करी है, यानी कि एनडीए से नाता जोड़ लिया है। महागठबंधन को, पहले वो महागठबंधन में थे, अब उसे छोड़ करके वापस बीजेपी में शामिल हो गए। एक बेहद गौरतलब बात यह है कि बीजेपी
इस बार जिस जिसका टिकट काट रही है या जो आरजेडी जिस जिसका टिकट काट रही है, एलजेपी उन सभी लोगों को टिकट दे रही है, क्या यही रणनीति है? क्योंकि चिराग पासवान नतीजे आने के बाद की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि नतीजे आने के बाद तो बिहार में और इसी मुद्दे पर आज जो हमारा बेहद अहम मुद्दा है कि बिहार में किसकी सरकार, बिहार में काबा, ये सारी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रधाम में और एएनबी न्यूज पर। राकेश जी, ये हो क्या रहा है? पहले तो चिराग पासवान नाराज होकर के चले आते हैं, जैसे ही चुनाव का इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से ही एक इधर से उधर अलग अलग पार्टियों में आना जाना लोगों का लगा हुआ। आज मुकेश साहनी ने एक बार फिर से घर वापसी कर लिए। स्वाति जी, मुकेश साहनी पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अमित शाह जी के साथ लगातार यात्रा भी किया था बिहार के चुनाव के संदर्भ में, और निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा शब्द का उपयोग भी किया कि घर वापसी कर लिए हैं। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता, इसलिए आज मुकेश जी के आने से हम लोगों को बहुत बल मिलेगा। और निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो बिहार में विकास की सरकार है, उस विकास की सरकार में बनाने में उनकी अहम भूमिका होगी। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बेहद अहम भूमिका होगी, इसीलिए गौरतलब ये है कि बीजेपी ने अपनी 11 सीटें अपने खाते से 11 सीटें निकाल करके दी हैं वीआईपी को, यानी कि भरोसा, अकूट भरोसा, अटूट भरोसा है उनके ऊपर। जी निश्चित रूप से, यदि गठबंधन का एक मर्यादा होता है, यदि एक घर यदि एक ज्वाइंट फैमिली होता है तो ज्वाइंट फैमिली में हर बच्चों के लिए इस त्योहार में कुछ ना कुछ एक फैमिली का मेंबर जो बड़ा होता है, मुखिया होता है, सोचता है। तो भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का घटक दल के रूप में प्रमुख दल है। ये बड़े भाई की भूमिका में, जो कि केंद्र में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो हम लोगों का जो हर लोगों का समावेश बनाकर, और इनको भी हम लोगों को सीट अपने कोटा से देना ही था। गठबंधन का मर्यादा है तो मुकेश साहनी जी ऐसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा होगी, और चुनाव में जब वो साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से उनके भी कुछ कार्यकर्ता होंगे जो एडजस्टमेंट के लिए 5 साल उनके साथ काम करते हैं। तो हम लोगों ने 11 सीट जो देने का फैसला किया है, निश्चित रूप से गठबंधन का मर्यादा को रखते हुए, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोगों ने दिया है, और हम लोगों ने ओपन कर दिया है कि इस सीट पे आप लड़ेंगे और 11 सीट आपको दिया जा रहा है। कोई अंधकार में नहीं है, चाल चरित्र और चेहरा जो हम लोगों का है वो स्पष्ट बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की जनता की जनमानस जो 13 करोड़ की जनमानस, उस जनमानस को पता है कि ये लोग जो कहते हैं इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। बाकी लोग जो आएंगे कथनी करनी करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख के बाद तो उनकी ऐसे ही दुकान बंद हो जानी है। तो ये जो महीने दिन की दुकानदारी है वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपने तैयार है, बट हम लोग बिहार के जनता के लिए, विकास के लिए कटिबद्ध है, और विकास के पट पे बिहार और स्वर्णमय अक्षरों में लिखा जाए उसके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। हम लोग विकास की चिंता कर रहे हैं, ये लोग अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम लोग परिवार के बाद में नहीं, हम लोग बिहार की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम लोगों ने आपस में ये जो गठबंधन किया है, मुकेश जी को भी लाया है। ठीक है, हमारे साथ अंकुश शर्मा भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज और राष्ट्रधर्म पर। धन्यवाद अंकुश जी। जिस तरीके से पूरा समीकरण बन रहा है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जा रहे हैं, आज मुकेश सहनी जी ने भी वापस बीजेपी में वो वापस आ गए हैं, घर वापसी उन्होंने कर ली है, वहीं चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि नतीजों के बाद तो बिहार में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन होगा, वो मिलकर सरकार बनाएगी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, एक नॉर्मल पॉलिटिक्स है जहाँ पे मसल फ्लेक्सिंग की जा रही है, जिन पार्टीज को विश्वास है कि वो लोगों तक पहुंच के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अधिक सीट जो है वो ले सकते हैं, विजवी जो सीट एलोकेशन उन्हें अभी हो रही थी, तो मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक चेंज ऑफ जनरेशन इन लीडरशिप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं
उसे भी सिंबलाइज करता है कि जहां पे एक यंगर जनरेशन ये कोशिश कर रही है कि अब एक पूर्व जनरेशन को रिप्लेस किया जाए और एक यंगर लीडरशिप प्रपोर्ट होकर सामने आए। तो मुझे लगता है कि इन दो कारणों के आधार पर ही हम ये जो अभी समीकरण बन रहे हैं, लोगों का पार्टी में आना जाना है, उसे देख सकते हैं। राकेश पांडे जी, ऐसा क्या अचानक से हो गया था कि अचानक तो खैर नहीं, लेकिन बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी। चिराग पासवान भी बार बार उन्होंने यही कहा है कि नीतीश कुमार का जो कार्यशैली उससे खुश नहीं थे। कई बार उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन इतनी सीरियसनेस के साथ उनको नहीं लिया गया। और ऐसे में जो बात हो रही है यंग जनरेशन और उसका जिस तरीके से बिहार जो प्रदेश है उसको आगे लेकर के जाने की बात जो हो रही है, कहीं ना कहीं LJP के मुखिया चिराग पासवान को लगता है कि वो और मोदी जी साथ में मिल करके इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सहमत नहीं हूँ। जब चिराग जी राजनीतिक जीवन में आए थे तब वो उनको पता नहीं था, उससे पहले से चिराग पासवान जी के पहले से वो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और 15 साल से जो बिहार के मुख्यमंत्री है ये सिर्फ 2015 के चुनाव में, ये 2014 के चुनाव में इनकी एंट्री हुई थी चिराग पासवान जी के। और ये जहां तक यंग जनरेशन की बात हो रही है, यंग जनरेशन सिर्फ परिवारवाद में ही यंग जनरेशन नहीं है, यंग लीडरशिप का आप जब देखेंगे तो आप ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, तहसील स्तर पर जाएंगे, मंडल स्तर पर जाएंगे, पन्ना प्रमुख स्तर पर जाएंगे, तो हर जगह उस तरह का काबिलियत रखने वाले लोग हैं। और पार्टी हर दल में कोई ना कोई है, लेकिन व्यक्ति विशेष ये हो जाता है कि चिराग जी रामविलास जी के पुत्र हैं तो इसलिए चिराग जी की आवाज उठा रहे हैं। चिराग जी जब वो 2014 के चुनाव में आए थे उसके पहले से बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी हैं और उनके पिताजी के अच्छे मित्र हैं और पिताजी की आज अस्वस्थ नहीं होते हैं, तो मुझे मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ मुझे विश्वास था कि आज अलायंस हम लोग के साथ होता। चिराग जी सिर्फ महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी बिहार की जनमानस की कोई चिंता नहीं है चिराग जी को। चिराग जी को यदि बिहार की जनमानस की चिंता होती तो जब वो 2005 से जब हमारे 2010 से और 2005 का जो काल था उसमें जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उसमें रामविलास जी भी हमारे साथ थे, सारे लोग सारे घटक इधर उनके चाचा खुद इस मंत्रालय में पशु एवं डेयरी विकास मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो जब उनको ऐसा नीतीश कुमार जी का चेहरा पसंद नहीं था या उनकी कार्यशैली पसंद नहीं था तो इनको कम से कम उस समय संसदीय बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते अपने चाचा को रोकना चाहिए था कि आप कहां नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। तो यहां कोई कैबिनेट और किसी नेता का चेहरा चमकाने का विषय नहीं है, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी और चिराग जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनमानस की उनको चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने 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 कह अपने जो उन्होंने कहा है कि मैं 143 सीटों पर लड़ूंगा वो लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तो बिहार की जनता स्पष्ट कर देगी आने वाले 10 तारीख को 10 नवंबर को। और धीरे धीरे काउंटडाउन चालू है, रोज एक दिन कम ही हो रहा है, तो आप 10 तारीख को हम लोग 3/3 से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पिछले आपके कार्यक्रम में भी आया था तो मैंने बोला था 3/3 से नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोगों को किसी की जरूरत 10 तारीख के बाद नहीं पड़ने वाली है। एक रणनीति, एक फॉर्मूला चिराग पासवान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन लोगों को JDU में सीट नहीं मिली है उनको वो अपनी पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं, उनको वो जोड़ रहे हैं और उन्हें सीटें दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ, भगवान सिंह कुशवाहा और राजेंद्र सिंह जी, ये दोनों ही LJP से अब जुड़ गए जाकर के और चिराग जी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये एक नया उन्होंने एक जी निश्चित रूप से मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि जब किसी भी दल में कोई भी कार्यकर्ता होता है और जब चुनाव का विपुल बज जाता है तो उसकी अपनी अंदर जो महत्वाकांक्षा होती है विधायक बनने का, सांसद बनने का, तो वो उस महत्वाकांक्षा के लिए लड़ता है। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिसको टिकट नहीं मिली है और दूसरे दल में जाके जिस दल से टिकट लड़ रहे हैं उनको 10 तारीख को समझ में आ जाएगा, ये तो कहने का बात नहीं है ना, क्योंकि उनके दल के भी बहुत सारे आज उनपे कैश का आरोप लगा है कि पैसा लेके टिकट बेच रहे हैं। तो आज आप देखिए होंगे निरंजन जी जो उनके IT सेल के संयोजक हैं, 12 जनपद के गेट पे उनके दरवाजे पर उन्होंने चीख चीख के बोला है, मीडिया के बंधुओं को बताया है। तो इसकी स्पष्टीकरण होना कि अभी चुनाव लड़ने लगाने के बाद में टिकट बेचने का अपराध लग गया। चलिए, ये जो आप कह रहे हैं बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि टिकट बेचने की बात है। हम यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होते हैं, आप बने रहिए NB News के साथ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनवी न्यूज पर। राजधान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, राकेश पांडे बीजेपी से बने हुए और साथ में बने हुए अंकुर शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। अंकुर, जब आपके पास वापस आना चाहूंगी, जिस तरीके से पार्टियों से अपने पुराने कद्दावर नेताओं को जाने दिया जा रहा है, नहीं लगता कि इससे नुकसान होगा? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी को जाने दिया और अब मुकेश सहनी गठबंधन महागठबंधन छोड़ करके वापस एनडीए में आ गए, नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, जहां तक कद्दावर नेताओं की बात है तो नुकसान करने की जो क्षमता उनकी रहती है वो बिल्कुल रहती है। एक पॉलिटिकल कैपिटल किसी भी नेता की बनी होती है, उसको इस्तेमाल करके वो चुनावों के रिजल्ट को ऊपर नीचे करवा सकते हैं, सही बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि अब यहाँ के लोग मानना शुरू कर गए हैं कि लोगों की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण स्थापित नेता ही है। तो कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता को ध्यान में रख के ये बात नहीं कह रहा हूँ, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नए चेहरे आना, जनरेशनल चेंज होना, मुझे लगता है इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करेगा। और चाहे वो बिहार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, अगर लीडरशिप टाइमली रिप्लेस होगी तो हमारी डेमोक्रेसी भी बढ़िया तरीके से चलेगी, नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होंगे और वो पुरानी घिसीपिटी राजनीति, स्टेटस कोइस्ट, जो स्टेटस को मेंटेन करने रखती राजनीति करते हैं, उनसे भी लोगों को निजात मिलेगी। और ये लार्जली एक पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता जो कद्दावर कहलाते हैं वो अपनी पारी खेल चुके हैं। वो कद्दावर इसीलिए कहलाते हैं कि एक कालखंड में, एक समय में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हो, लेकिन हो सकता है कि अब उनकी क्षमता ना हो। और ऑब्वियसली एक स्टेज आपकी लाइफ में आती है जब आप सिर्फ अपने नाम की खाते हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं का जाना स्वाभाविक भी है और ऐसे नेताओं को जाना भी चाहिए। नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए और यंगर जनरेशन को लीडरशिप की कमान जो है वो अपने हाथ में लेनी चाहिए। उषा विद्यार्थी जो अब एलजेपी में शामिल हो गई हैं, शायद ऐसा ही कुछ सोचा गया होगा और इसीलिए उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अब वो एलजेपी में शामिल हो गई हैं, एलजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं अंकुर कि ये पूरा प्रकरण चल रहा है कि जो नेता है, जो कद्दावर नेता एक्सपीरियंस हो चुके हैं इस वजह से, लेकिन फील्ड में वो काम नहीं करते, वहीं पर काफी सारी पार्टियां जो नए नेतृत्व की हम बात करें, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, वहीं पर एक बहुत ही बिहार में पार्टी पॉपुलर हो रही है जो है प्लूरल्स पार्टी। इसका आप किस तरह से आप प्लूरल्स पार्टी को देखते हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनको देखते हैं कि कितने, क्योंकि क्या बेहद पढ़ी लिखी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके आई हैं, उनका घराना भी जो पीछे कर रहा है उसमें उनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं और एक बदलाव की छवि वो कहती हैं कि मैं एक बदलाव करना चाहती हूँ इसलिए आई हूँ, और तमाम पढ़े लिखे इंजीनियर्स डॉक्टर उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एक पॉजिटिव शुरुआत के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन राजनीति अलग तरीके से चलती है। केवल अच्छे विचार होना, अच्छी क्वालिफिकेशन होना
ये सफिशिएंट नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशंस है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस चीज को मानता हूँ कि ऐसे ही लोगों को राजनीति में आके कमान संभालनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति समय मांगती है, और समय के साथ साथ आपकी जो अच्छी बातें हैं आपको लोगों को उन्हें एक्चुअली ग्राउंड पे ट्रांसलेट करके बताना है। और वो जो आपका संघर्ष है वो समय मांगता है। अगर केवल आप अपनी पढ़ाई पे डॉक्टर इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छी बैकग्राउंड के हैं, ये लेके अगर आप इलेक्शंस में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी जीत हो। लेकिन हाँ, शुरुआत बहुत बढ़िया है, इनकी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों के पास जाएं, लोग इन पे विश्वास करें। लेकिन अगर इनकी हार भी होती है तो फिर भी अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखें, समाज में बदलाव लाने के लिए कार्यरत रहिए, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अपनी जो क्षमता है जिससे आप एक क्लास अपार्ट होकर लोगों के सामने जा रहे हैं उसे साबित भी करें। केवल डिग्री होने से या किसी बातें करने से लोगों का भला नहीं होता। लोगों का भला करने के लिए राजनीति में जो एक्सपर्टाइज चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस की कमी है उनके पास अभी हाल फिलहाल एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और पार्टी का नाम भी बेहद अलग है, क्योंकि नई है, एक नई जनरेशन की बात हो रही है। एक दौर, एक लंबा दौर खत्म होने के बाद अब नई पीढ़ी के युवा नेता सामने आ रहे हैं। भले ही एक्सपीरियंस की कमी हो, लेकिन जो बातें सामने रख रही हैं समझदारी वाली बातें हैं, तो उम्मीद की जा सकती कि शायद भले ही सीटें कम आए या इस बार खाता खुले या ना खुले तो बात की बात है जानने की, लेकिन उनकी भावनाएं जो है, जो लोगों से वो जोड़ रही हैं और चाहती हैं कि समाज में एक बदलाव भी आए। वहीं अब रुख करूंगी राकेश पांडे जी आपका, इस बार जिस तरह से बीजेपी भले ही अच्छा काम कर रही है, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार है, ठीक है, लेकिन जो हमने अभी हाल ही में स्थिति देखी, चाहे हम बाढ़ की बात कर लें, चाहे हम कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके साथ जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था, पानी भर रहा है बारिश का, ठेले पे बैठ करके डॉक्टर्स को जाना पड़ रहा है, इस बार क्या बदलाव करेंगे, कुछ ऐसे मुख्य चीजें जो आपके मैनिफेस्टो में हो ताकि लोग वहां पे और वो एक्चुअल में जब ग्राउंड जीरो पे वो उतरे भी, क्या ऐसी मुख्य चीजें होंगी जो बीती बारों से, यानी जो पिछला आपका मैनिफेस्टो है उससे अलग होंगी, किन चीजों को आप लोग मुख्यता से रखते हैं? निश्चित रूप से बिहार में हेल्थ की गारंटी रहेगी, और जैसे विगत वर्षों में आपने देखा भी और आप चर्चा भी कर रही हैं, तो हमारा मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हो चुका है और शिलान्यास चालू है। और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में, जब अगला चुनाव हम लोग आएंगे 2025 का, उससे पहले सारी चीजें, व्यवस्थाएं परिपूर्ण हो जाएगी और मेडिकली हम लोग साउंड प्रूफ हो जाएंगे बिहार में, कि दूसरे प्रदेशों पे हम लोगों को ताक झांक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एजुकेशन पे भी 100% बच्चों को एजुकेशन गारंटी के लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं, और लगभग हर पंचायत के अंदर हमारा स्कूल का निर्माण हो चुका है, और हर इसी तरीके से बहुत सारी चीजों पे हमारा योजना जो है, जो आगे के लिए आगामी योजना है उस पे काम चल रहा है। और आगे जब हमारी सरकार आएगी 10 तारीख के बाद, तो निश्चित रूप से आपको 2021 में बहुत सारा बदलाव दिखेगा, जो कि बहुत सारी चीजें प्रोसेस में है, जिसका उद्घाटन 2020 के लास्ट में या 21 के फर्स्ट मंथ में होगा, जनवरी फरवरी में। तो ये सब चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हम रोजगार के लिए चिंता कर रहे हैं, और यहाँ मक्का उद्योग है, मक्का के लिए हम लोग मक्का के ऊपर प्रोसेसिंग फैक्ट्री से डालने की बात चल रहा है, लीची पे चल रहा है, आम पे चल रहा है, मखाना पे चल रहा है, सिल्क पे चल रहा है। तो रोजगार गारंटी भी हम लोग देंगे, और निश्चित रूप से जो बिहार में रोजगार जब हम देंगे अपने लोगों को, तो यहाँ से बाहर जाने में भी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों पे बिहार सरकार बिल्कुल चिंतित है और अपने लोगों के लिए कटिबद्ध भी। ठीक है राकेश जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो आ रही है बिहार से ही। पटना में कांग्रेस ने सूची जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की, तो पटना कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महागठबंधन से 70 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने बक्सर से मुन्ना तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बेहद अहम खबर, क्योंकि लगातार सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही, और अब कांग्रेस ने भी आज सूची जारी कर दी। लखीसराय से अमरेश कुमार अनीश चुनाव लड़ेंगे। बाढ़ से सत्येंद्र बहादुर पर दांव खेला गया है, यानी कि उनको उतारा गया। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, तो स्टार प्रचारक रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का आज ऐलान कर दिया है, और आपको बता दें आज आरजेडी ने भी अपने 42 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है।
तो आप दोनों ही मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ राकेश पांडे जी, बेहद संक्षेप में बताइए, कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी है और अपने 21 प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए हैं, इस पे आपका रिएक्शन? कोई नहीं, बिहार की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और बिहार में सिर्फ बाहर है, नीतीश कुमार फिर से हैं और डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और आप लोग 10 तारीख को आप लोगों को हम लोग भी मिठाई मुंह मीठा कराएंगे निश्चित रूप से, तीन तिहाई के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं और बाकी बचा कुचा जो है ये लोग आपस में कैसे बांटेंगे ये लोग समझे, बाकी हम लोग 3/3 200 सीट लाकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बिहार सरकार दे रहे हैं और यहाँ की जनता का हाथ को मजबूत करेंगे, जनता हमें मजबूत करेगी, हम लोग एक दूसरे के लिए है, जनता हमारे साथ है, जनता के लिए हम लोग है, हम लोग 365 दिन जनता के आवाज बन के काम करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है, हम लोगों को जनता जिसके साथ होती है उसकी सरकार होती है, इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ठीक है राकेश जी, अंकुश शर्मा जी आपका भी फाइनल कमेंट इस पर चाहूंगी कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, वहीं आज ही आरजेडी ने भी अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी करी है, महागठबंधन भी अब रेस में फुल फ्लैश फॉर्म में आ गया है। साथ होना ही है और अल्टीमेटली जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके की गवर्नेंस दी है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि बिहार की जनता किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ये वाकई में रहता है कि जब दो बार सरकार रहे तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है, मैं नहीं जानता, मैं पूरी स्पष्टता से नहीं कह पाऊंगा कि कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय काम करेगा। ठीक है, चलिए राकेश पांडे जी, जाते जाते आपसे एक आग्रह, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी को भी कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है और बेहद संभव था कि वो एनडीए से ही यानी कि नीतीश कुमार जी के साथ उन्हीं की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट दे रहे हैं या किस चीज सीट पे चर्चा चल रही है? बाबा तो ऐसे भी गुप्तेश्वर बाबा समाज के लिए जिंदा है और समाज के लिए चिंता करते, समाज के उस पीढ़ी से आए हैं जिनके उन्होंने बताया तो अभी यानी कि स्थिति साफ नहीं है, उनके लिए चिंता करेंगे, वो समाज के लिए चिंता करेंगे, एनडीए गठबंधन के धर्म के अंदर वो एक समान कार्यकर्ता के रूप में, कोई उनके पद पर नहीं है और वो समान कार्यकर्ता के रूप में जब पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे जी और अंकुश शर्मा आप दोनों का, आप दोनों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हुए थे। राष्ट्रभर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। दुबले पतले कमजोर है आपकी सेहत नहीं बनती।